नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। बीते रात मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र के बिस्कुट व्यापारी को बंधक बनाकर भीषण डकैती हुआ। आपको बता दें कि सकरी थाना के पुरानी बाजार में हुई वारदात के दौरान तकरीबन 15 लाख से अधिक मूल्य के कीमती जेवरात और नगद लूट कर अपराधी मौके से फरार हो गए। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घर के सभी सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं विरोध करने पर डकैतों ने गृह स्वामी और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे दिया है। रात में एकाएक घुस गया, लोग टॉर्च चलाने लगा और बोला आप लोग सो जाइए, एकदम उठना नहीं है। मुंह पर से कंबल भी हटाते थे तो टोक देता था, थोड़ा भी आँख दिखाई देने बस लाइट जला देता था आँख को, बस और कुछ नहीं। न गोदरेज का चाबी मांगा, न कुछ किया, या आया एकाएक तोड़ दिया और लॉकर वोकर सब तोड़ फूट के सब ले गया जो था। बाद में फिर पूछा कि लॉकर का चाबी लाओ, हम बोले उसी में है लॉकर का चाबी। तो फिर दोबारा नहीं खोजा है, वो अपना तोड़ ताड़ के सब ले लिया। फिर लास्ट में जब जाने लगा तो मोबाइल मांगा, मोबाइल सूत्र था वो घींच लिया पूरा। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। किस वक्त हुआ था ये? 1:30 बजे के लगभग में ये घटना हुई। 1:30 बजे से लेकर के 2:15 के लगभग में लोग निकल गया कर करके। 3 गो गेट तोड़ करके हम लोग बेड पर थे, बेड पर ही रिवॉल्वर सटा करके कहा कि सूतो नहीं तो मार देंगे। उसके बाद हम लोग जब भी उठते थे तो दबा करके सोता सुला देता था। रिवॉल्वर सटाया हुआ था 2 गो रूम में, जितना वो अलमारी तोड़ करके जितना ऑर्नामेंट्स और चांदी का सामान था सब ले गया और कैश रुपया भी ले गया। कितना का लगभग ले गया होगा सब? अब 12 लाख के लगभग, 15 लाख के लगभग तो ऑर्नामेंट और चांदी ले गया और कैश 2 लाख के लगभग ले गया। अब मोबाइल ले गया, मोबाइल को कुछ दिया और लैपटॉप भी ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शाह हुआ। क्या करते हैं? एजेंसी है, मैंने बिस्किट और मधुसूदन दूध का, जिसके चलते घर वाले काफी देर तक दहशत में रहे। अपराधियों के चले जाने के बाद गृह स्वामी ने इसकी सूचना मुखिया के माध्यम से सकरी थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर वहां पहुंची। वहीं एएसपी कांदीवाला ने डकैत गिरोह का जल्द उद्भेदन करने की उम्मीद जताई है, साथ ही तकनीकी सेल का सहयोग लिया जा रहा है। बीते रात घटना हुई थी पुरानी बाजार सकरी में, आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है और उनके आवेदन पर हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। उनका कहना था कि देर रात उनके आवास के अंदर भी कुछ लोग प्रवेश कर गए थे और कुछ कीमती सामान उनका उठा करके ले गए। हम लोग इसमें तकनीकी सेल की मदद से और दरभंगा के, क्योंकि उनका जो गाँव है और उनका अंतिम घर है और वहाँ से सटा हुआ मणिगाछी है, तो हम लोग दरभंगा पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और हम लोग शीघ्र ही उद्भेदन कर लेंगे और उसके जो नुकसान लिप्त हैं उनको पूछेंगे। वहीं एएसपी कांदीवाला ने डकैत गिरोह का जल्द उद्भेदन करने की उम्मीद जताई है, साथ ही तकनीकी सेल का उपयोग किया जा रहा है और जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही खबर के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।